नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी से क्या इतनी डर गई भाजपा कि अब हमले पर उतारू हो गई? उससे कुछ घंटे पहले तक असम के मुख्यमंत्री गिरफ्तारी की चुनौती दे रहे हैं, उसमें भी बड़े झोल थे। बोल रहे थे FIR अब करेंगे, गिरफ्तार चुनाव के बाद करेंगे, यानी गिरफ्तार करने से पहले हाथ थर थर कांप रहे। लेकिन इन थर थर कांपते हाथों वाले शरीर में, दिमाग में प्लान कुछ और चल रहा। राहुल गांधी पर हमला, राहुल के काफिले पर हमले को राहुल गांधी पर हमला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि असम में देर रात ये हुआ है। इन गाड़ियों पर जिन पर हमला हुआ है, उन गाड़ियों पर हमला करते वक्त हमलावरों ने ये नहीं सोचा है कि उसके भीतर राहुल गांधी हैं या कौन। राहुल गांधी के साथ जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, हजारों हजार सड़कों पर जो तस्वीरें आ रही हैं, आप इस चर्चा में तस्वीरें भी साथ साथ देखते चलिए, उस भीड़ ने इस कदर हताश किया है कि अब राहुल गांधी के होर्डिंग्स पर डंडे पीट रहे हैं। लेकिन इस हमले ने बीजेपी को ही बैकफुट पर ढकेल दिया। लगातार इंडिया अलायंस में आपसी टकराव की जो खबरें गोदी मीडिया दिखा रहा था, अब वो शायद ये नहीं दिखाएगा कि इस हमले के बाद राहुल गांधी के लिए अखिलेश यादव खड़े हो गए। अखिलेश यादव ने इस हमले के बाद सीधा सीधा बयान जारी किया कि ये भाजपा की हताशा है, हार का डर है और इस हताशा के बाद हिंसा पर उतर आए हैं भाजपाई। आखिर असम में राहुल के प्रवेश करते ही बीजेपी क्यों इस कदर बौखला गई, इतना डर क्यों गई और आगे क्या क्या कर सकती है? क्या राहुल को गिरफ्तार भी कर सकती है? हालांकि ऐसा जोखिम ले नहीं सकती आज की तारीख, लेकिन क्या कर सकती है? ये हमले और बढ़ेंगे या हमलावरों पर कार्रवाई करने का एक नैतिक दिखावा, नैतिकता का दिखावा करने की कोशिश होगी? ये सारी चर्चा हम करेंगे क्योंकि इस पूरी यात्रा पर अभिषेक कुमार लगातार नजर रख रहे हैं। जब से यात्रा मणिपुर में शुरू हुई है तब से लगातार अभिषेक कुमार की नजरें इस पर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक। हिमंता, राहुल ने घर में घुसकर ललकारा देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, असम का मुख्यमंत्री। डर इतना बढ़ा कि उत्तर असम, उत्तरी असम जो है वहां का दौरा रद्द करके घर में बैठ गए। उसके बाद उन्होंने कहा गुवाहाटी में अगर बीच शहर से निकलेंगे तो मुकदमा पक्का दर्ज करूंगा, मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, लेकिन गिरफ्तार चुनाव के बाद करूंगा। भारत के कानून और संविधान, इसको बखूबी आप जानते हैं, ये पहली बार ऑफिशियल अनाउंसमेंट कानूनन, मतलब कानून के दायरे में रहते हुए, ऐसा पहली बार मैंने सुना है कि गिरफ्तार FIR कर दिया और अपराधी को छोड़ दोगे चुनाव लड़ने तक। राहुल गांधी उनके नजर में अपराधी हैं, तब तो FIR किया, अपराधी को मुक्त छोड़ोगे घूमने के लिए, यानी आप में हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी पर हटना। और अब कांग्रेस ने खुला ऐलान कर दिया है, जेपी नड्डा को बकायदे ट्वीट करके कहा गया है कि नड्डा साहब मुख्यमंत्री जी को बताइए जिस रास्ते से आप गुवाहाटी में निकले थे, अपना रोड शो किए थे, रैली किए थे, उसी रास्ते से निकलेंगे। और अभी लेटेस्ट मैंने ट्वीट देखा कांग्रेस का, उन्होंने बकायदे ऐलान कर दिया है अब तो कुछ भी हो जाए जाएंगे उसी रास्ते। क्या इसी बौखलाहट का नतीजा है ये देर रात जो हमला हुआ? देखिए आशीष जी, बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी असम में, असम को इस बड़ी यात्रा के शुरुआती पड़ाव के लिए चुनाव के, आमतौर पर लोग पूर्वोत्तर की अनदेखी करते हैं और इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पूर्वोत्तर इस देश के मुख्य नक्शे पर तभी आया जब पूर्वोत्तर का एक सांसद 10 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री बना, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जितने फंड पूर्वोत्तर के लिए मनमोहन सिंह ने दिए आज तक किसी सरकार ने नहीं दिए, वो जितने फीते नरेंद्र मोदी सरकार काट रहे हैं ज्यादातर मनमोहन सिंह के सरकार की देन है, जो उनके समय के प्रोजेक्ट है। एक आध प्रोजेक्ट जो सबसे लंबा पुल था जो देवेगौड़ा जी का था दिया हुआ। और असम में कांग्रेस की जड़ें काफी मजबूत रही है,
थोड़ा पीछे जाए तो हितेश्वर सैकिया की हैसियत असम में वही थी कमोबेश, तो ज्योति बासु की हैसियत एक दौर में बंगाल में थी, या नवीन बाबू की हैसियत उड़ीसा में है। दुर्भाग्यवश उनका चुनाव के ठीक पहले देहांत हो गया था 1996 में, हालात बदल गए थे। तो असम के जो हालात है, कई एक राज्य के अंदर कई राज्य आपको दिखेंगे, अपर असम, लोअर असम, फिर आपको बोडो का इलाका दिखेगा, फिर आपको बांग्लादेश से सटा हुआ सिलहट वगैरह का इलाका जिसमें बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का वर्चस्व है। उस असम के बीच जो आखिरी यूनिफाइंग फैक्टर थे वो हेमंता बिस्व शर्मा नहीं है, आखिरी यूनिफाइंग फैक्टर का नाम, पूरे असम को जोड़कर रखने वाले फैक्टर का नाम था, वो कांग्रेस के भी नेता नहीं थे, वो थे प्रफुल्ल कुमार महंत। तमाम आलोचना उनकी हो जाए, कई लोग उल्फा के साथ संबंध रखने के कथित आरोप उन पर लगाएंगे, मैं उन आरोपों में नहीं जाता क्योंकि वो इंटेलिजेंस का काम है कि क्या किस कौन किससे मिला हुआ है, लेकिन वो लास्ट यूनिफाइंग फैक्टर थे पूरे असम को जोड़कर रखने वाले, एक राज्य के धागे में, एक स्टेटहुड के दायरे में लोगों की मानसिकता को क्षेत्रीय अस्मिता से ऊपर उठाकर असमिया अस्मिता तक लाने वाले में। हितेश्वर सैकिया जी के बाद दूसरे नाम, हेमंता बिस्व शर्मा ने असम के अंदर की डिवाइड को और गहरा किया है ऐसा लगता है। पहले जो डिवाइड इलाके के स्तर पर था, अब उस इलाके के स्तर वाले डिवाइड में कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सांप्रदायिक पुट भी आ गया है, एक और लेयर उसमें जुड़ गया है सांप्रदायिकता का। कई सारे एथनिक ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश में, आपको मालूम होगा, कई सारे एथनिक ग्रुप मणिपुर में है जिनके बीच आपस में विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा और प्रशासन अक्षम बनकर चुपचाप मूक दर्शक बना रहेगा। असम के हालात दरअसल ये है कि भारत का जो मिजाज रहा है, आप किसी दल के साथ सहमत हो असहमत हो, हम किसी दल के साथ सहमत हो असहमत हो, हम पत्रकार हैं, किसी दल की पैरोकारी करने नहीं बैठे, लेकिन हकीकत यही है कि जिस प्रकार से जो एक गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है उसको संभाल पाने में हिंदुस्तान में बाकी सारी विचारधाराएं तो सक्षम है, दक्षिण पंथ सक्षम नहीं है, दक्षिण पंथ डिवाइड को बढ़ाता है, ये सच्चाई है, चाहे समाजवादी धारा हो, चाहे कांग्रेस की मध्यमार्गी धारा हो, चाहे वो वामपंथी धारा हो, वो जोड़कर रखने में कामयाब रही है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी वहां जोड़ने निकले हैं, उनका नाम ही है भारत जोड़ो ने आया था, वो जोड़ने निकले हैं, उनकी पार्टी जोड़ने में नाकाम हुई तो तेलंगाना बनाना पड़ा, जब तक जोड़ने में वो कामयाब थी तब तक आंध्र प्रदेश में विभाजन की मांग जो है तेलंगाना की बहुत पुरानी थी लेकिन दबी हुई थी। आज की तारीख में असम के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, चाय बगान के मजदूरों को पूरे पैसे समय पर नहीं मिलते, उनकी मजदूरी कम है, जबकि इतिहास पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि इस देश में पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड डफरिन के टाइम 1885 में आया था और वो चाय बगान के मजदूरों की दुर्दशा को देखते हुए ही आया था। अगर आपको याद हो तो पहला कारखाना अधिनियम जो मजदूर के लिए आया था, मजदूरी तय करने और मजदूरी के काम के घंटे तय करने ताकि उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कारखाना अधिनियम उसे कहते थे, वो 1885 में चाय बगान के मजदूरों के लिए आया था, क्योंकि तब कलकत्ता वहां राजधानी हुआ करती थी ब्रिटिश इंडिया की, और चाय बगान के मजदूरों की दुर्दशा कलकत्ता से वो आसानी से दार्जिलिंग बारपेटा आदि इलाकों में देख सकते थे। दूसरे मजदूरों की दुर्दशा उनको बाद में दिखती, मसलन मुंबई या कॉटन मिले जो अहमदाबाद में थी, गुजरात में या कानपुर में, उसकी दुर्दशा बाद में दिखती, वो पहले दिखती। राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की कमान छोड़ने के बाद, पार्टी उनकी चुनाव जीते ना जीते, हमारी आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने इस देश के आम आदमी की गरीबी को, मुफलिसी को, दुर्दशा को करीब से देखने की एक कोशिश की है, इस बात से के लिए हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर के बाद हिंदुस्तान में किसी नेता ने आम आदमी के बीच पैदल जाकर के या बस से जाकर के किसी भी प्रकार से कोई यात्रा करके आम आदमी की गरीबी को करीब से देखने की कोशिश की होगी। आप देख सकते छोटे किसी नेता ने नहीं की, छोटे मोटी यात्राओं को छोड़ दे, हाँ, किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं की। चंद्रशेखर के बाद आजाद भारत में एक विनोबा भावे की यात्रा हुई, हाँ, एक चंद्रशेखर की यात्रा हुई, बाद में राजनीतिक यात्रा, और अब राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा। लाल कृष्ण आडवाणी निकले तो कोई आम जनता की दुर्दशा देखने के लिए रथ लेकर नहीं, वो हिंदुस्तान के आवाम को समझने और उसके साथ उस आम आदमी की गरीबी और परिस्थितियों को अपने पार्टी के एजेंडे के साथ जोड़ने के लिए नहीं निकले थे।
वो निकले थे राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदू एकता जगाने के लिए ताकि उसका इलेक्टोरल गेन हो सके। राहुल गांधी भी निकले हैं इलेक्टोरल गेन के लिए, चंद्रशेखर भी निकले थे इलेक्टोरल गेन के लिए, लेकिन उसका एजेंडा बड़ा क्लियर था कि वो एजेंडा था आम आदमी के साथ उसकी समस्याओं को करीब से देखना। और जब ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं तो इस दौर में आपको एक चीज माननी होगी कि असम की सरकार जो जिग्नेश मेवानी को गुजरात से उठा कर ले गई, जो पवन खेड़ा को करीब करीब उठा ही कर ले गई थी, उठा ही लिया था, वो तो बीच में चीफ जस्टिस हमारे माननीय डीवाई चंद्रचूड़ साहब बीच में आ गए कि पवन खेड़ा को छोड़ दिया गया, उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी। और कोइंसिडेंटली मामला दूसरा चल रहा था, संयोग वश अभिषेक मनु सिंघवी चीफ जस्टिस की अदालत में मौजूद थे, आपको याद हो तो, शायद महाराष्ट्र के मामले पर हियरिंग चल रही थी, और तब तक ये खबर पहुंची कि पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से उठाया जा रहा है, याद है ना? नहीं तो वो भी चले गए थे। अभिषेक मनु सिंघवी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में मौजूद नहीं होते, किसी दूसरे मामले को लेकर जो मौजूद थे, तो पवन खेड़ा भी जाकर के वहां लाल घर में यानी जेल में एक आध महीने काट के ही आते, जिग्नेश मेवानी की तरह। वहां के किसान नेता है, नाम भूल रहे हैं, शायद अखिल गोगोई नाम है, जो अन्ना मूवमेंट में भी रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी अगर आप देखिए तो। उनके पक्ष में पूरे देश के सिविल सोसाइटी के लोग असम में गए थे, वो घटना आपको याद होगी। तो इस तरह से राहुल गांधी की जो गिरफ्तारी होगी वो असम के सेंटिमेंट को तो उभारेगी, असम के साथ साथ उन सारे राज्यों के सेंटिमेंट को उभार देगी जिन राज्यों में कांग्रेस बनाम भाजपा का सीधा मुकाबला है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, भले ही इन सब जगह पर भाजपा की सरकार है, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, कांग्रेस पार्टी की सांगठनिक कमजोरियां अपनी जगह, नेताओं की आपसी सिर फुटाउल अपनी जगह, लेकिन वहां यही दल बीजेपी के सामने मुकाबले में खड़ा है, कांग्रेस पार्टी, यही एकमात्र सच्चाई है। तो जिन राज्यों में पार्टी खड़ी होती है साहब, उन राज्यों में सहानुभूति लहर को पहुंचने से आप रोक नहीं सकते। नहीं, राहुल को, अभिषेक, राहुल को अगर गिरफ्तार करते हैं, राहुल के हाथ में हथकड़ी, वो इंदिरा गांधी आपको याद होंगी, आप तो तारीखों के मामले में बड़े अद्भुत याददाश्त रखते हैं, याद होगा इंदिरा ने कहा कि हथकड़ी, जब इंदिरा को गिरफ्तार किया गया तो इंदिरा गांधी ने कहा था हथकड़ी लगाओ, बिना हथकड़ी के नहीं ले जाओ। आशीष जी याद कीजिए, इमरजेंसी की जो प्रतीकात्मक तस्वीर थी कोई जेपी की तस्वीर नहीं थी, वो लाठी खाते नौजवानों की तस्वीर नहीं थी, स्टूडेंट्स की तस्वीर नहीं थी, वो जॉर्ज फर्नांडिस की जो हथकड़ी वाली तस्वीर, जिसे आइकॉनिक तस्वीर कहते हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र की आवाज को दबाने की तस्वीर बनकर पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी। नहीं, उसके बाद तस्वीर ने हिंदुस्तान की जनमत का निर्माण कर दिया था, कांग्रेस की वापसी उसके बाद। मैं वही कह रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी एनके सिंह से, कभी ले चलेंगे आपको भी मिलवाने, जो इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने वाले निर्मल कुमार सिंह आईपीएस जो थे, बाद में समता पार्टी ज्वाइन कर ली थी जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम, उनकी किताब है द होल ट्रूथ, वो मेरे पास है, उन्होंने खुद दी थी। वो जो पूरा विलिंगटन क्रिसेंट से लेकर फरीदाबाद तक जो ड्रामा हुआ, उस ड्रामे ने कांग्रेस के पक्ष में गिरफ्तारी तो नहीं हुई, उल्टा जनता पार्टी के खिलाफ एक जनमत तैयार करने में बड़ी भूमिका निभा दी, ये बड़ी बात है। जॉर्ज की गिरफ्तारी हुई वो अलग बात है, लेकिन गिरफ्तारी की जो फोटो आई, उस फोटो ने, हथकड़ी वाली उस तस्वीर ने पूरे हिंदुस्तान के जनमानस को झकझोर दिया कि ये क्या हो रहा है। तब इस देश में उतनी सांप्रदायिकता नहीं थी कि एक क्रिश्चियन समाज से आने वाले एक पादरी के बेटे को इस देश ने सराखों पर बिठा लिया था। तो ये हिंदुस्तान है साहब, हमेशा कमजोर के साथ खड़ा होता है। अगर आप सड़क पर निकलते हैं, देखते हैं स्कूटी वाले कोई गलती से ही, अगर उसे स्कूटी वाले को कोई ट्रक वाला धक्का मार, ट्रक से टक्कर हो जाए, लोग ये नहीं देखते कि गलती स्कूटी वाले की ही है, लोग यही मानते हैं कि नहीं भाई, ताकतवर ये है, ताकत इसके पास है, इसी ने मारी होगी। असम, असम, असम में फिर चलते हैं, असम में नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल से होते हुए असम तक पहुंचे, मणिपुर से शुरुआत करके और असम तक पहुंचे हैं, लेकिन असम में आने के बाद इस यात्रा की गर्मी बढ़ गई, उसके पहले नहीं, जो असम में एंट्री हुई तो गर्मी बढ़ गई, जैसे भीड़ इकट्ठा हुई राहुल गांधी के आसपास, देर रात की तस्वीरें जब राहुल गांधी की, मतलब अंधेरा होने के बाद जो है जो तस्वीरें आई, उन तस्वीरों में भी हुजूम सड़कों पर दिखा, उस हुजूम से क्या ये घबराए हुए हैं?
और दूसरी बात है कि गिरफ्तारी के मसले पे तो मैं बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है इतना इतना नैतिक बल ही नहीं है, इतना साहस नहीं है, ये गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। क्यों गिरफ्तार करोगे? यात्रा कर रहा है एक नेता, इसलिए करोगे? राहुल गांधी यात्रा कर रहा है, इसलिए करोगे गिरफ्तार? क्यों करोगे गिरफ्तार? आप जाने नहीं दोगे, इस रास्ते से मना कर दोगे? तो वो नैतिक बल नहीं है। असली में भय की बात करना चाहता हूँ, भय, डर। डर किससे है? क्या राहुल गांधी, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि दक्षिण की, जो दक्षिण से उत्तर तक की थी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें, और न्याय भी जुड़ गया, उस यात्रा ने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ जोड़ा है। अगर बतौर निष्पक्ष विश्लेषक आप इसका एनालिसिस करें तो उस यात्रा की देन तेलंगाना में जो सरकार है उस यात्रा की देन है। कर्नाटक में सवाल करने वाला खारिज भी कर सकता है कि यात्रा एमपी से भी गुजरी थी, लेकिन इस पर विश्लेषण अगर हम घंटा भर लग जाएगा विश्लेषण करने में कि एमपी में हारी क्यों। एमपी में हारी इसलिए कि एमपी में कमलनाथ, लोगों से जो बड़े नेता दिल्ली से जाते थे उनसे कमलनाथ बोला करते थे कि यदि राहुल जी को बोलो कि राजस्थान पे ध्यान दे ले, मध्य प्रदेश में कुछ मतलब कोई चांस ही नहीं है बीजेपी के लिए, यहाँ तो अकेले मैं काफी हूँ। वो अहंकार, उस अहंकार के चक्कर में कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गया। ये लंबा है, बड़े लंबा एनालिसिस हम लोग कई बार किए। तो वो सवाल जो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, तो उस सवाल पर अलग विषय है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा असर हुआ। इस असर को कोई खारिज नहीं कर सकता। क्या वही असर पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी? ये सीधा जो सवाल जिसपे मैं आना चाहता हूँ, क्या वही असर? अभी शुरुआत है लेकिन घबराहट इशारा क्या कर रही है? आशीष जी, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी को राजस्थान पे फोकस करना चाहिए, मध्य प्रदेश पे करना चाहिए, उनका सवाल तो जायज है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश तो आ ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। हाँ। राजस्थान में उनकी पार्टी की पहले से मानी जा रही थी कि तीन राज्य जो बीजेपी हारी जीती है, राजस्थान ही माना जा रहा था कि वो 5 साल पे रोटेट करता है फिर रोटेट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी दोनों में उनकी हार थी, बाकी दोनों में उनकी यात्रा जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि असम और मणिपुर जैसे छोटे राज्यों पर क्यों फोकस है, उन लोगों के लिए आशीष जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, क्रिकेट का उदाहरण है, फरीदाबाद में एक मैच हुआ था इंडिया और जिम्बाब्वे का, लोग मैच छोड़कर उठ गए थे कि इंडिया तो जीत गया है, इस मैच में क्या रखना। डगलस मारिलियर नाम का एक बैट्समैन आया था लास्ट ओवर, जैसे इंडिया के लास्ट में पूर्वोत्तर दिखता है ना, और उसके शॉट्स बड़े फेमस हो गए थे, उसके शॉट्स बड़े फेमस, याद है ना मारिलियर स्वीप, याद है ना उस मारिलियर स्वीप ने पूरे मैच का परिणाम, मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के इतिहास में किसी एक वनडे मैच को उस ढंग से पलटा गया होगा, मैंने तो नहीं देखा है, आपने देखा हो तो अलग बात है। जहां कोई सट्टा बाजार का किसी अंधे आदमी से पूछ लेते कि इस मैच में क्या है, लोग टेलीविजन बंद कर रहे थे कि हो गया खेल खत्म है, लेकिन 2/8 ओवर में 13 रन देने वाले जहीर खान बचे हुए 2 ओवरों में 50 रन दे गए थे, 2 ओवर में 50 रन, और जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया था। यही मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी भी वही स्लॉग ओवर जिसको कहा जाता है भारतीय राजनीति में, अब तक पूर्वोत्तर के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है, मनमोहन सिंह के दौर में उस सौतेलेपन से छुट्टी मिलती हुई पूर्वोत्तर को दिखी थी, और अब राहुल गांधी ने दक्षिण के बाद पूर्वोत्तर का रुख किया है, और पूर्वोत्तर से जब वो मुंबई पहुंचेंगे, मणिपुर से मुंबई, बीजेपी तो दरअसल इससे डरी हुई है। आप देखिए नरेंद्र मोदी कहां जा रहे हैं, हताशा का परिणाम देखिए, कहां जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? आप सोच सकते थे तमिलनाडु और केरल के दौरे मंदिरों के बढ़े हुए, आंध्र प्रदेश के दौरे बढ़े हुए हैं, लक्षद्वीप जहां की 95% के करीब आबादी मुसलमानों की है, वहां नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि जीत नहीं सकते, लेकिन दिक्कत यही है ना कि आखिर सीटें भी तो बढ़ानी है, कहीं तो कोशिश करनी है। नहीं, अभी सवाल है कि सीट बढ़ाने में, मैं इस मामले में थोड़ा सा अलग, मेरा मतलब मेरा अपना विश्लेषण थोड़ा अलग है। लक्षद्वीप जीतने के लिए नहीं गए, ये दक्षिण में भी जो जा रहे हैं तमिलनाडु में या केरला के मंदिर में, ये सीटें वहां राहुल गांधी पर आ रहा हूँ, मैं राहुल गांधी पर आ रहा हूँ, मैं राहुल गांधी पर आ रहा हूँ। वो बेसिकली मोदी जो कर रहे हैं वो उत्तर भारत के चक्कर में कर रहे हैं, दक्षिण भारत में जो कर, मैं सीधी बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इन तीन राज्यों को छोड़ दे जहां कांग्रेस पार्टी हाल फिलहाल सत्ता में नहीं आ सकती, सोच ही नहीं सकती। इस देश में कौन ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की जड़ें इन तीनों राज्यों को छोड़कर नहीं है? मणिपुर में भी है, असम में भी है,
वही मुख्य विपक्षी दल है असम में, वहां राहुल गांधी क्यों नहीं जाएंगे? क्या उनको भारत के लोकतंत्र ने, भारत में प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार जो राइट टू लाइफ के तहत है, आर्टिकल 21 के तहत है, क्या वो उनको हासिल नहीं है? क्या उनको यात्रा प्रदर्शन करने का अधिकार हासिल नहीं है? मुरली मनोहर जोशी की तिरंगा यात्रा जब चल रही थी, क्या उनको यह अधिकार नहीं था? कश्मीर के उस डिस्टर्ब टाइम में भी नरसिम्हा राव की सरकार ने तमाम सुरक्षा बंदोबस्त किए थे कि मुरली मनोहर जोशी श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहरा सके। राजनेताओं का दिल इतना संकुचित नहीं होना चाहिए कि पदयात्रा अगर चल रही है या बस यात्रा किसी नेता की चल रही है तो आप ये कहें कि हम FIR कर देंगे। क्या वो कोई राम मंदिर बनाने या बाबरी मस्जिद बनाने के लिए यात्रा चल रही है क्या, जिससे सांप्रदायिक उन्माद देश में हो जाएगा? ऐसी यात्रा नहीं चल रही है। एक आखिरी सवाल मैं लूंगा इस चर्चा को खत्म करने से पहले। प्लान आ गया है 22 तारीख का राहुल गांधी का, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, राहुल गांधी क्या करेंगे 22 को। आपने शंकर देव को पढ़ा होगा, असम जी, शंकर देव, शंकर देव की जन्म स्थली पर होंगे राहुल गांधी, इसके क्या मायने? देखिए इसके मायने हैं, मायने इसलिए हैं कि संत परंपरा के पूर्वोत्तर में सबसे बड़े आप कह सकते हैं चेहरे रहे हैं शंकर देव। हाँ, भारत की जो संत परंपरा है उसके सबसे बड़े चेहरे जिनको पूरा देश जानता है। अब सवाल ये उठता है कि वहां अगर राहुल गांधी जा रहे हैं तो किसी को आपत्ति क्या होनी चाहिए? हमारे आपके इलाके में कबीर का आश्रम है मगहर में, क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी लोग जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। अब सवाल है संत के दर्शन को यदि कोई जा रहा हो तो उसको किसी राजनीतिक चश्मे से देखना और वहां क्यों जा रहे हैं, इस मुझे नहीं लगता कि इस पर चर्चा करने की बहुत जरूरत है। सबको जाना चाहिए। राहुल गांधी अब तक वहां नहीं गए हैं तो गलती किए थे, नहीं खुद मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, मैं ईमानदारी के साथ स्वीकार करता हूं कि मैं पूर्वोत्तर भारत अभी नहीं गया हूं और हम लोगों को पूर्वोत्तर जाना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से, पूर्वोत्तर के भाइयों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगता हूं कि मैंने हिंदुस्तान के तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन को करीब से देखा, पूर्वोत्तर जाने के बारे में अभी तक मैं प्लान ही करता रह गया कि मैं नहीं जा पाया। दूसरा कारण है कि पूरा ग्रुप नहीं मिल पाया चलने के लिए, तमाम तरह की धारणाएं उसके बारे में बनी रहती है कि यह डिस्टर्ब एरिया है, वो है। पूर्वोत्तर के लोग इतने भले हैं साहब, मिजोरम के खेतों में आप चले जाए, वही मिजोरम जो कुछ दिन पहले तक डिस्टर्ब था, असम सरकार की विस्तारवादी नीतियों के तहत डिस्टर्ब था, उस पूर्वोत्तर, उस मिजोरम में आप चले जाए, खेतों में लोग झोला टांग देते हैं और झोले में सब्जी रख के दुकानों में चले जाए, लोग पैसे रख के चले जाते हैं। ये पूर्वोत्तर है जिसके अंदर हिंदुस्तानियत अभी जिंदा है। नहीं, मैंने चर्चा शंकर देव की, अभिषेक, शंकर देव की चर्चा के पीछे वजह है। शंकर देव की चर्चा इसलिए ही मैंने की कि संत परंपरा से आते हैं, जो माहौल बनाया जा रहा है देश में ना, ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने बहुत सही, अगर मेरा अपना व्यक्तिगत विचार, कि एक सही निर्णय लिया है। तमाम चर्चाएं थी, इस मंदिर जा सकते हैं, उस मंदिर जा सकते हैं, लेकिन शंकर देव की जन्म स्थली पर जाना, संत परंपरा के ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान में जो समरसता है, जो डाइवर्सिटी में यूनिटी की बात होती है पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी, उसके प्रतीक हैं वो, चाहे शंकर देव हों, चाहे जो है महाराष्ट्र के संतों की एक लंबी फहरिस्त, सबसे ज्यादा संत परंपरा में सबसे समृद्ध विरासत महाराष्ट्र की है जी, उत्तर प्रदेश की है, तो उस परंपरा में ऐसे असम में वो थे और असम में उन्होंने अगर शंकर देव के जन्मस्थली को चुना तो मेरे विचार में जिस दौर में हिंदुस्तान है और भाजपा जिस मिजाज, हिंदुस्तान के मूल मिजाज को बदलने की कोशिश कर रही, उस वक्त में शंकर देव के जन्मस्थली पर जाना बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चर्चा को मैंने किया था। नहीं, छोटी सी बात, हाँ बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, बस यात्रा करें या पद यात्रा, आम आदमी को गरीब की मुफलिसी से, गरीबी से, उसकी जो पीड़ा है उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सारी बातें सही है, लेकिन उनकी यात्रा राजनीतिक है, इस बात को हमें मानना होगा। बिल्कुल है, जैसे हाँ? चंद्रशेखर की यात्रा राजनीतिक थी, वैसी यात्रा राजनीतिक है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और जब यात्रा राजनीतिक है, उसका घोषित एजेंडा है कि राजनीतिक यात्रा है, कांग्रेस पार्टी माने या ना माने, तो क्या इस देश में राजनीति करना गुनाह है क्या?
क्या एक राजनीतिक व्यक्ति को यात्रा करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए? देखिए, राहुल गांधी कोई वो हरकत करने नहीं जा रहे हैं जो लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से रथ लेकर निकले थे, और जो उन्माद पैदा हो रहा था कि समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया, असम के अंदर समस्तीपुर बनाने की कोशिश होगी तो ध्यान रखिएगा, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के लिए जगह जगह वाटरलू तैयार हो जाएगा। और लालू यादव नहीं है हेमंत विश्व शर्मा के सर पे नरेंद्र मोदी का हाथ हो सकता है, लालू यादव के सर पे वीपी सिंह का हाथ था कि लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करना है तो करना है। उनके बूते सरकार थी, उनके समर्थन के बूते सरकार थी, सरकार गिरवा ली गई लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया। मकसद था कि देश को सांप्रदायिक उन्माद की आग में झोंकने से बचाना है, सत्ता से बड़ी चीज वो है। आज मकसद है क्या, बोल रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा, यही कह रहे हैं ना, मियां मुस्लिम। एक मुख्यमंत्री ये भाषा बोलेगा? ये वही भाषा है जो गुजरात के मुख्यमंत्री ने कही थी कि न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन हो रहा है गुजरात के दंगों के बारे में, सरेआम कही थी, आप गूगल करके देख सकते हैं उस स्टेटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसीलिए इस बात को कह रहे हैं कि ये इस मानसिकता से राहुल गांधी को गिरफ्तार करने पर पूरे देश में प्रतिक्रिया हो सकती है। कल्पना कीजिए, 65 में 62 सीटें जनाब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की है, उल्टा खेलना हो जाए कि ये 3 पे पहुंच जाए, वो 62 पे पहुंच जाए। सहानुभूति की लहर चलती है, जब लहर चलती है ना तो उस लहर में बड़े बड़े दिग्गज धाराशाही हो जाते हैं। लहर चली थी 77 की लहर, बड़े बड़े दिग्गज धाराशाही हो गए। लहर चली थी 84 की लहर, बड़े बड़े दिग्गज धाराशाही हो गए। लोगों को याद है। खैर, चलिए, इस चर्चा में फिलहाल हम राहुल गांधी की यात्रा पर आप नजर रखिए, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा पर विशेष रूप से आप ही नजर रख रहे हैं, लेकिन हमारी नजर होगी 22 तारीख को और आगे क्या, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है, मतलब देर रात जो कुछ हुआ है, उस देर रात जो कुछ हुआ उसके बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है, और साथ ही एक और राजनीतिक कनेक्शन आप जोड़िए, जिस इंडिया अलायंस में कांग्रेस को लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ की वीक पार्ट बन रही है इस अलायंस में, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो, हर जगह पर, लेकिन राहुल की इस यात्रा पर हमला, इसने इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं को राहुल गांधी के साथ खड़ा कर दिया। मैंने शुरू में ही अखिलेश यादव का जिक्र किया, सारे नेता अखिलेश यादव के साथ खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी के साथ। इसीलिए हमने कहा कि ये हमला कई बार होता है लगातार, आज हमने दोपहर की भी चर्चा में कहा, लगातार इस वक्त जो कुछ भी टीम मोदी जी या उनके सेनापति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिशें उल्टी पड़ती नजर आ रही है। वो सब के सब अपने ही गोल पोस्ट में गोल मार रहे हैं, लेकिन हमारी नजर रहेगी इस यात्रा पर। अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।